यार पिछले एक हफ्ते से मैंने कुछ भी शूट नहीं किया है, ना ही कोई यूट्यूब की वीडियो और ना ही कोई इंस्टाग्राम की पोस्ट या रील। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले एक हफ्ते से मैं बिल्कुल बीमार हूँ, ना ही मैं जिम जा पा रहा हूँ, ना ही मैं शूट पर जा पा रहा हूँ। और इस बीच जो भी आपने कंटेंट देखा वो मैंने ऑलरेडी शूट करके रखा हुआ था, मैं उसको रीपोस्ट करता गया। अब मुझे हुआ क्या था ऑनेस्टली पता नहीं, मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा बुखार आ रहा था, प्लस मेरे फेस पे कुछ गिर गया था तो इसलिए मेरा फेस यहाँ से पूरा जल गया था। मतलब मैं रिकवरी में था पिछले एक हफ्ते से और उस वजह से मैं पूरे दिन मतलब बैठ के बस इसको ऐसे ठंडे पानी से लगा लगा के सेक रहा था। तो अब जाके फाइनली कुछ ठीक हुआ, मतलब अब तो आई डोंट थिंक कुछ दिख रहा है था, आपको फर्क नहीं लगा एंड थैंक गॉड मेरी आंखों में नहीं गिरा। खैर छोटे सारी बातें, अब मैं फाइनली ठीक हो चुका हूँ एंड आज की इस वीडियो में करने वाले बहुत इंटरेस्टिंग चीज़। रिसेंटली मैंने एक वीडियो की थी जहाँ मैंने आपको पूरा अपने एडिटिंग का वर्क फ्लो दिखाया था, नो डाउट उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया एंड इसीलिए आज की इस वीडियो में करने वाले हैं एक रील को एडिटिंग। मतलब काफ़ी टाइम हो गया मैंने इंस्टा पे कोई रील पोस्ट नहीं किया, मतलब ऑलमोस्ट मैंने 15 अगस्त को लास्ट रील पोस्ट की थी, उसके बाद मैंने कोई भी रील वगैरह पोस्ट नहीं किए। तो आज हम एक न्यू रील एडिट करने वाले हैं। अब रील के लिए क्या आइडिया है, कौन सी वीडियो हम उठाने वाले हैं एंड कैसे मैं उसको फाइनल एडिट करने वाला हूँ, ये सब मुझे कुछ नहीं पता। मैं आपके साथ इस वीडियो को शूट करते करते ये सब चीज़ करूँगा। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ही अनप्लान सी ये वीडियो है, आई होप आपको अच्छा लगेगा। खैर फटाफट से लाइक का बटन दबाओ और चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यार वीडियो तो बना रहा हूँ लेकिन एडिट कौन सी वीडियो करूँ, क्योंकि शूट तो कुछ किया नहीं। अरे हाँ, मेरे पास मैंने एक लास्ट शूट किया था अपना जहाँ पे मैंने बहुत ही मस्त मस्त एक रेट्रो वाली फोटो कुछ क्लिक की थी, उसमें एक रील का शॉट मैंने लिया था, मतलब एक स्लोमो शॉट अपने कैमरे से ले लिया था, मैंने उसको कहीं पोस्ट नहीं किया अभी तक। तो उसको कुछ एडिट करते हैं, ठीक है, उसको देखते हैं क्या हम बना सकते हैं उसका। लेकिन उससे पहले यार हमें एक ऑडियो भी ढूंढना पड़ेगा, मतलब क्या रील पे तो भाई साहब ट्रेंडिंग ही चलता है, तो मैंने काफ़ी टाइम से रील्स वगैरह देखी भी नहीं है। तो थोड़ी देर पहले मैं रील देख लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ कि मेरे को क्या ऑडियो बढ़िया लगता है, ठीक है। तो थोड़ा टाइम वेस्ट कर लेते अपना। अजी घबराओ मत, जला जला कर राख कर देंगे जो हमसे जलते हैं। तुम रंग बदलते हो, हम इतिहास बदलते हैं। अब जो म्यूजिक मैंने सेलेक्ट किया वो है ये वाला म्यूजिक एंड ये फाइनल हो चुका है। ये मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इसमें एक बहुत ही मस्त एक ट्रांजिशन हमारा बन सकता है। अब इसमें जो मेरे को आइडिया आ रहा है वो ये कि स्टार्टिंग के पार्ट में हम हल्का सा इसको ब्लर रखें और जैसी वो बीट ड्रॉप हो रही है, जैसी म्यूजिक मतलब नॉर्मल सा हो रहा है, उस पर हम अपनी मेन क्लिप को रिवील करें। जैसे आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे लोग वाला इफेक्ट बनाते हैं, मतलब कि स्टार्टिंग में बहुत ही मस्त बोके ब्लर सा आता है, उसके बाद अचानक से आपकी क्लिप रिवील होती है। तो वो इफेक्ट हम बनाएंगे एंड फोन से ही, तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप वो इफेक्ट फोन से बना सकते हैं। तो ये सब करने के लिए चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। बाकी जो ऐप मैं एडिटिंग के लिए यूज करने वाला हूं वो है अलाइट मोशन एंड ये वाली ऐप आपको एंड्रॉइड iOS हर जगह मिल जाती है, प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पर इसका फ्री वर्जन अवेलेबल है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अगर आपको प्रीमियम वाला वर्जन चाहिए हो तो नीचे देख, मतलब आप अपना कहीं गूगल वगैरह से डाउनलोड कर लेना, मतलब इतना तो आपको पता ही होगा कैसे डाउनलोड करना होता है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सो भाई यहाँ पर मैं आ चुका हूँ अपनी फोन की स्क्रीन पर एंड बहुत ही धमाकेदार एडिटिंग करने वाले हैं आज। तो ओपन करते हैं अलाइट मोशन ऐप को एंड ओपन करते हैं आपके सामने बहुत ही बिजी सा इसका कुछ इंटरफेस है, लेकिन आपको कन्फ्यूज नहीं होना, आपको जैसे यहाँ पे प्लस पे टैप करना है एंड यहाँ से अपने रील्स के लिए 9:16 चूज कर लेना है। अगर आप यूट्यूब कर रहे हैं तो 16:9, लेकिन हम रील की वीडियो एडिट कर रहे हैं तो यहाँ पे 9:16 चूज करेंगे। बाकी रेजोल्यूशन 1080 सही है, फ्रेम रेट भी 30 FPS एंड बाकी सब कुछ बिल्कुल सही है, इसको डन करेंगे, क्रिएट प्रोजेक्ट। एंड अब यहाँ पे क्या करना है, आपको अपनी मीडिया ऐड करनी है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ से प्लस पे टैप करेंगे एंड यहाँ से देखिए मीडिया, यहाँ से आपको अपनी क्लिप को सेलेक्ट कर लेना। तो मेरे पास मेरी दो क्लिप्स हैं, ये तो ये वाली क्लिप मैंने एक्चुअली कैमरा से शूट की अपने 120 FPS में, इसलिए ऑलरेडी ये स्लो है, लेकिन अगर आपकी क्लिप स्लो मोशन में ना हो तो आप उसको स्लो कर सकते हैं बहुत ईजिली। तो ये रहा एक ऑप्शन, यहाँ से अपनी वीडियो में आप स्लो मोशन कर सकते हैं। बाकी अब क्या करेंगे, इसके बाद हमारा जो मेन स्टेप है वो अपना म्यूजिक को ढूंढना है। तो म्यूजिक मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है एंड मैंने डाउनलोड वो ऑनलाइन कर लिया था, मतलब वेबसाइट से डाउनलोड करके। तो यहाँ पर हम टैप करेंगे एंड म्यूजिक अपना ऐड करेंगे, यहाँ से दोबारा ऐड करते हैं एंड यहाँ पे ऐड मीडिया करते हैं और ये रहा म्यूज़िक। तो ये भी हमारे यहाँ पे आ चुका है। इसमें से हम क्या करेंगे, ऑडियो को एक्सट्रैक्ट करेंगे सिर्फ। तो इसमें से म्यूज़िक को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम करेंगे क्या, यहाँ पर क्लिक करेंगे इस क्लिप पे एंड यहाँ पे ऐड करेंगे यहाँ से एक्सट्रैक्ट ऑडियो वाला ऑप्शन। तो यहाँ पर देखिए एक्सट्रैक्ट ऑडियो, तो ऑटोमेटिकली ये दो क्लिप आ जाएंगी। तो यहाँ से जो वीडियो वाली क्लिप है इसके नीचे वाली, इसको हम डिलीट कर देंगे क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए एंड ऊपर हमारा ये म्यूजिक आ चुका है। देखो अगर आप मेरे अलग अलग डिवाइसेस से डेटा को शूट करते हो या फिर रिकॉर्ड करते हो तो आपके लिए डेटा को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है और कई बार ऐसा होता है कि आपका शूट किया हुआ डेटा किसी और डिवाइस पर नहीं चल रहा है, जैसे कि फोन के अंदर कुछ लॉग की वीडियोज नहीं चल पाती है। एंड इसके लिए आप यूज कर सकते हो वंडर शेयर का यूनिक कन्वर्टर। इसकी मदद से आप अपने कैमरा की वीडियो किसी भी एक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो जो कि आपके सभी डिवाइस में चल जाए। अगर आप बहुत ज्यादा DSLR या GoPro या अलग अलग डिवाइस का यूज करते हो तो सबका फॉर्मेट आप कन्वर्ट करके अपने डिवाइस में चला सकते हो। सेकंड चीज इसके अंदर आप कर सकते हो वो है कंप्रेस। अगर आपकी डेटा का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, आपने कोई वीडियो रिकॉर्ड किया मान लो, जैसे मैं अपने R5 से वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, बहुत ज्यादा बड़े साइज की होती है और मुझे कहीं वो भेजनी है, तो मैं उसको सिंपली यहाँ पे कंप्रेस कर सकता हूँ एंड कंप्रेस करके उसकी साइज को छोटा कर सकता हूँ और उसकी क्वालिटी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा एंड उसका साइज बिल्कुल छोटा हो जाएगा, उसमें कहीं भी भेज सकता हूँ एंड अपनी स्टोरेज को भी सेव कर सकता हूँ। इसके अलावा इसके अंदर और भी बहुत सारे फीचर्स है, जैसे कि डाउनलोड वाला फीचर जिसके आप ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म से वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, और भी बहुत सारे AI वाले फीचर्स है जहाँ पे आप वोकल रिमूव कर सकते हो, म्यूजिक अपना बना सकते हो और इस तरह की बहुत ही कमाल के फीचर्स इस ऐप के अंदर है। तो अगर आप इन सारी दिक्कतों का सामना करते हैं एंड आपको भी ऐसा एक सॉफ्टवेयर चाहिए जहाँ पे अपनी वीडियोज को इजिली कन्वर्ट कर सको
ऑडियो म्यूजिक या फिर फोटो किसी भी चीज को और इवन उनको कंप्रेस भी कर सको। सो मेक श्योर टू चेक आउट वंडरशेयर यूनिकन्वर्टर, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो देखिए यहाँ पर आगे क्या हो रहा है, हमारा म्यूजिक बिल्कुल ड्रॉप हो रहा है, तो जहाँ पे ड्रॉप हो रहा है वहाँ पे हमें मस्त अपने क्लिप को रिवील करना है। उससे पहले का पार्ट में जा रहा हूँ, थोड़ा सा ऐसे एस्थेटिक सा रहे तो ब्लर सा रहे थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ इस वाले ड्रॉप पे, यहाँ इस वाले ड्रॉप पे हमें इफेक्ट ऐड करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इफेक्ट पे चलते हैं एंड यहाँ से आपको ऐड इफेक्ट करना है। इफेक्ट जो आपको सर्च करना है वो बहुत ही कमाल का इफेक्ट, यहाँ पर जाएंगे एंड लीनियर स्ट्रीक आपको सर्च करना है। सो देखिए इसे क्या करेंगे, आप बहुत ही मस्त अपनी वीडियो में ऐसे ब्लर वाला इफेक्ट डाल सकते हैं जो कि बहुत ही एस्थेटिक लगता है आजकल। वैसे मैं अपनी रील पीसी में भी एडिट कर सकता था लेकिन ये वाला इफेक्ट पीसी में बनाना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं यहाँ पे इस ऐप को यूज़ कर रहा हूँ। बहुत ही कमाल की ऐप है ये। तो स्टैंडर्ड सेटिंग पे चलते हैं। तो देखिए जहाँ पे आपका ड्रॉप आ रहा है, आप एक बार सुनते हैं दोबारा से, यहाँ पे ड्रॉप आ रहा है तो इस वाले पार्ट पे हमें इसको जीरो रखना बिल्कुल। तो यहाँ पे की फ्रेम ऐड करेंगे जीरो का एंड थोड़ा पीछे जाएंगे और यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा देंगे ताकि यहाँ से स्टार्ट हो। तो इसकी स्ट्रेंथ रखेंगे अराउंड 0.4 या 0.4 आई थिंक सही है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, 0.3 रखते हैं इसको। ओके ये हो चुका है, यहाँ पे हमारा की फ्रेम भी बन चुका है। अब क्या करेंगे, वापस ऐड करेंगे इसमें इफेक्ट। तो बैक चलते हैं थोड़ा सा और वापस एक और इफेक्ट ऐड करेंगे, दोबारा सेम यही इफेक्ट ऐड करेंगे। इस बार हम क्या करेंगे, इसकी डिग्री चेंज करेंगे। तो ये रहा हमारा ये इफेक्ट, इसमें हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट पे हम क्या करेंगे, इसकी डिग्री को 90 कर देंगे ताकि हमारे पास जो बोके ब्लर है वो बिल्कुल स्क्वायरिश सा दिखे। तो इसको मैं रखूँगा 90 एंड ये देखिए 90 एंड इसकी स्ट्रेंथ को हम थोड़ा सा कम कर देंगे, मतलब ज़्यादा लग रहा है, 0.3 रखेंगे इसको या 0.2 भी रख सकते हैं। अब देखिए आपको वॉल इफेक्ट आने लग गया होगा, बहुत मस्त लग रहा है। यहाँ पे की फ्रेम हम ऐड करेंगे, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे जो दूसरा हमारा पॉइंट था, तो जहाँ पे हमारा ड्रॉप आ रहा है वहाँ पे हम इसकी ओपेसिटी को बिल्कुल कम कर देंगे, मतलब इफेक्ट बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। तो प्ले करते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, इस पर एक और की फ्रेम ऐड करेंगे एंड इसकी स्ट्रेंथ को बिल्कुल जीरो कर देंगे। अब देखिए ये इफेक्ट हमारा बनने लग चुका है, थोड़ा सा पीछे चल के प्ले करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ से ये देखिए, ये बहुत ही मस्त ये रिवील लग रहा है। अब हमें एक चीज़ और करनी है, मेरे पास एक और भी क्लिप है मेरी, तो जो भी हमारे यहाँ पे बीट ड्रॉप्स आ रहे हैं वहाँ पे हमें क्या करना है, बहुत ही मस्त एक मतलब कट या ट्रांजिशन कुछ भी डालना वहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसको स्टार्टिंग से एक बार प्ले करता हूँ, यहाँ पे देखिए एक बीट आ रहा है, तो इसको हम क्या करें, कट कर देंगे यहाँ से इस वाले पार्ट को, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ एंड हमारी जो सेकंड क्लिप है वो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। मीडिया में चलते हैं एंड ये रही, तो इस वाली क्लिप को देखते हैं क्या हम यूज़ कर सकते हैं। तो आई थिंक ये वाला पार्ट यहाँ से सही है, तो इसको यहाँ से स्प्लिट करते हैं एंड इधर वाला पार्ट इसका डिलीट कर देंगे, ये वाला पार्ट थोड़ा सा आगे लेके आएंगे ताकि हम इसमें सेट कर सकें इसको। तो ये वाली ऐप थोड़ी सी जर्की लगती चलाने में, मतलब मैंने जब पहली बार इसको चलाया मेरे को लगा यार बहुत ही स्लो सी चल रही है, बहुत ही पुराने ज़माने की ऐप है, लेकिन इसमें जो इफेक्ट है वो आपको किसी और ऐप में नहीं मिलते, इसलिए ये वाली ऐप आपको चलानी पड़ेगी। यार ये क्लिप बहुत स्लो चल रही है, इसमें मतलब अटक अटक के चल रही है। यहाँ पर भी एक बीट है तो यहाँ पर इसको दोबारा कट करेंगे एंड यहाँ पर दूसरा कोई सीन लेके आते हैं अपना, तो देखते हैं कौन सा पार्ट अच्छा लगेगा। सो आई थिंक ये वाला पार्ट बिल्कुल सही लगेगा, यहाँ पर थोड़ा सा आगे चलते हैं ये। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से कट कर देंगे एंड इस वाले पार्ट को लेके आएंगे अपनी जगह पर। तो यहाँ पर एक हमें बीच में गैप दिख रहा है, मैं इस क्लिप को थोड़ा सा आगे लेके आता हूँ एंड अब प्ले करते हैं। सो आई थिंक बिल्कुल सही लग रहा है, थोड़ा सा इस क्लिप को यहाँ से लेके आते हैं, स्टार्ट करते हैं इधर से एंड डन। तो इसका जो एंड वाला पार्ट है यहाँ से कट कर देंगे, जो एक्स्ट्रा पार्ट है, और ये हुआ कट। तो यहाँ पर हमारी पूरी क्लिप है ना, मतलब जो भी हमें इफेक्ट डालने थे वो अब डल चुके हैं। एक बार देखते हैं वापस से पूरा प्ले करके, तो देखिए अब इसमें एक और चीज़ करते हैं बहुत ही कमाल की, जो कि एक HDR इफेक्ट आजकल बहुत चलता है रील्स पे, मतलब मैंने कभी ट्राई नहीं किया लेकिन फिर भी एक बार ट्राई करते हैं इस ऐप के अंदर वो हो जाता है। तो यहाँ पर चलेंगे एक बार प्लस पे एंड एक शेप लेंगे, तो शेप को पूरा फिल कर देते हैं, इफेक्ट में चलते हैं एंड यहाँ से कॉपी बैकग्राउंड का इफेक्ट है वो सर्च करेंगे। तो इसे क्या होगा कि बैकग्राउंड हमारा इस लेयर पर आ जाएगा, मतलब ये पूरा एक आपका एडजस्टमेंट लेयर काम करेगा। तो ये हो चुका है, इसको पूरी वीडियो को ऊपर रख देते हैं, इस पर हम अपना HDR इफेक्ट बनाएंगे। तो इस पर चलते हैं इफेक्ट्स में एंड यहाँ से सर्च करते हैं इस पर गॉशियन ब्लर वाला इफेक्ट, गॉशियन ब्लर ये रहा। ओके इसकी स्ट्रेंथ आप देखेंगे, स्ट्रेंथ आपको अपने हिसाब से रखनी है, मतलब मैं इसको रखूँगा हल्का सा इतना सा एंड फिर आपको आना है इसके ब्लेंडिंग बोर्ड में। तो यहाँ पर आते हैं ब्लेंडिंग एंड ओवरले, अब यहाँ पर आपको आना है डिफरेंसेस में एंड यहाँ से आपको चूज़ करना है इसका ब्लेंडिंग मोड कोई भी एक। तो डिफरेंस में आपको यहाँ से सब्ट्रैक्ट वाला ऑप्शन चूज़ करना है इसका एंड इसको जस्ट आपको डन कर देना है। अब देखिए आपको पता है यहाँ पे बहुत अजीब सा लग रहा है लेकिन फिर भी इसको हम भी सही करेंगे, मैंने खुद ये चीज़ कहीं देखी थी। तो इफेक्ट में चलते हैं, यहाँ से आपको जो इफेक्ट चूज़ करना है वो है यहाँ से एक्सपोजर एंड गामा, ठीक है, ये हमने सेलेक्ट कर लिया एड स्टैंडर्ड। अब हमें करना क्या है, इसकी सेटिंग को चेंज करना है, इसकी एक्सपोजर अपने हिसाब से कम करनी है। तो देखिए जितना आप इसका एक्सपोजर कम करेंगे उतना ये बहुत ज़्यादा मस्त आपको लाइट इसमें दिखेगी,
गामा का मतलब बेसिकली आई थिंक यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट टाइप का कुछ है, जितना आप इसको कम करेंगे आपका कॉन्ट्रास्ट भी कम हो जाएगा। लेकिन देखिए पूरी क्लिप हमारी HDR से हो रही है जो कि बहुत सही लग रहा है, एंड इसका जो ऑफसेट है ये भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, इससे आपकी वीडियो का जो ब्राइट पार्ट है वो बिल्कुल मस्त हो जाएगा। एंड अब देखिए बिफोर आफ्टर, ओ भाई साहब बहुत ही मस्त यार, क्या मस्त HDR इफेक्ट बन जाओ, मतलब ये रील्स जो वायरल होती है भाई साहब ये है उसका सीक्रेट, जान रहे हो यार ये ट्रिक आपने सीख लिया मतलब आपकी वीडियो वायरल्स। तो देखिए अब देखते हैं एक बार वापस से पूरी वीडियो को, मैं इसको इंस्टाग्राम पे यहाँ से अपलोड करूँगा मतलब ये वाला पार्ट में, तो इसका स्टार्टिंग का पार्ट हम बाद में इंस्टाग्राम पे ही काट लेंगे। देखिए मस्त लग रहा है भाई ये HDR इफेक्ट तो, लेकिन इसमें हमारी अभी कलर ग्रेडिंग रहती है। एंड एक चीज़ और की जो इफेक्ट स्टार्टिंग में आ रहा है ये मेरे को बहुत ज़्यादा लग रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा ब्लर कर दिया हमने ये वाला, तो इफेक्ट में चलते हैं। एंड जो हमने लीनियर स्ट्रीक्स ऐड की थी इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा जो है कम करते हैं, इसको अराउंड इतना रखते हैं ठीक है। तो इसको क्या करते हैं यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं पूरी वीडियो को पहले, तो इधर चलते हैं एंड एक्सपोर्ट करते हैं वीडियो को फुल HD में, एंड क्वालिटी इसकी हाई रखते हैं बिल्कुल 25 Mbps एक्सपोर्ट। तो ये वीडियो हमारी फाइनल एक्सपोर्ट हो चुकी है, प्ले करते हैं। तो ये भाई फाइनल रील जो कि बहुत ही मस्त मुझे लगी, आई होप आपको भी काफ़ी अच्छी लगी होगी। एंड इस तरीके की रील आप अपने फोन से बना सकते हैं बहुत ही इजीली, इस तरीके की रील आप शूट करो उसमें ये वाला इफेक्ट डालो। बाकी हाँ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक जरूर से करना, चैनल पर नए हैं अगर आप लोग चाहते हैं मैं ऐसे आपको रील्स वगैरह के और ब्रेकडाउन बताऊँ और रील के आइडियाज़ दूँ तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। और हाँ वैसे ये वाली रील मैंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी कर दी है तो जाके आप वहाँ पर चेकआउट कर लेना, रील आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर से बताना वहाँ पर भी। एंड मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी कमाल की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।